बुल्ली गुल्ली को कहानी सुना रहा था। गुल्ली भी काफी इंटरेस्ट से सुन रहा था। इतने में उनके पास शॉन आता है। शॉन गुल्ली को बोलता है, गुल्ली मुझे रॉड का फोन आया था। रॉड बोल रहा था उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और कोई दुकान भी खुली नहीं है, इसलिए वो शहर में सर्दी में अकेला घूम रहा है। तो गुल्ली शॉन को बोलता है, शॉन तुम अकेले ही चले जाओ, तुम्हें पता है ना गुल्ली मुझे कितनी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा है और मुझे सुनने में काफी मजा आ रहा है, प्लीज तुम अकेले जाओ ना। गुल्ली, तुम्हें पता तो है मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है और वैसे भी जंगल के रास्ते भूत प्रेत बहुत ज्यादा है, आजकल तो खूनी जेंसन भी आ गया है। अरे शॉन, तुम किस लिए डर रहे हो? ये भूत प्रेत जेंसन नाम की चीज इस दुनिया में है ही नहीं। फिर तुम किस लिए डर रहे हो? ये सब कहने की बातें हैं। नहीं गुल्ली, ये कहने की बातें नहीं है, सच में जेंसन है, उसने कई लोगों को अब तक मार दिया है। अरे शॉन, तुम किस लिए घबरा रहे हो? यहाँ से शहर ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का तो रास्ता है, जल्दी जाओ। गुल्ली की बातें सुनने के बाद शॉन काफी नाराज हो जाता है और अपना स्कूटर लेकर रॉड को लेने के लिए निकल जाता है। जंगल का रास्ता काफी सुनसान था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। शॉन देखता है कि रोड के किनारे एक बच्चा खड़ा है और जो शॉन को रोकने का इशारा कर रहा है। शॉन को नहीं पता कि ये बच्चा उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं जेंसन ही है। जेंसन ने अपना रूप बदल लिया है। शॉन उस बच्चे के पास जाके रुकता है और बोलता है, अरे बच्चे, तुम जहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कहाँ जाना है तुम्हें? इतने में बच्चा जोर जोर से हंसने लग जाता है। शॉन को कुछ अजीब सा लगता है कि ये बच्चा हंस क्यों रहा है। तभी वो बच्चा जेंसन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर शॉन की आंखें फट जाती है और शॉन काफी डर जाता है। जेंसन शॉन को पकड़कर जंगल में ले जाता है। अब क्या होगा शॉन का, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।